सीजीएसटी विभाग ने मंजरी पत्रिका का विमोचन किया है। मंजरी का नाम पहले ताज मंजरी था, लेकिन छठवें संस्करण में इसके नाम को बदल दिया गया है। आपको बता दें, पत्रिका विमोचन की जानकारी आयुक्त शरद चंद्र श्रीवास्तव ने दी। सीजीएसटी विभाग ने अपनी वार्षिक पत्रिका मंजरी का विमोचन किया। मंजरी के नाम का ये पहला संस्करण है, जबकि विभागीय पत्रिका का ये छठवां संस्करण है। इस पुस्तक का नाम पहले ताज मंजरी था, लेकिन अब बदल गया है। सीजीएसटी आयुक्त शरद चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि मंजरी नामक पत्रिका का मतलब तुलसी है, जो शक्ति का रूप है। पत्रिका का विमोचन हुआ, कार्यालय की पत्रिका, आयुक्तालय की पत्रिका मंजरी, उसका छठवां अंक, उसका आज विमोचन हुआ, लोकार्पण हुआ। ये कार्यालय की रूपरेखा, यहाँ के जितने भी सहकर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो लेख के माध्यम से, कविता के माध्यम से, अलग अलग रचनाओं के माध्यम से अपने हृदय का उद्गम प्रस्तुत करते हैं, उसका एक संकलन है। तकरीबन 50 से 60 लोगों ने, जहाँ तक रचनाओं का प्रश्न है, इसमें भाग लिया। हर तरीके के हैं, बड़ी विभिन्नता इस पत्रिका में। और जैसे मंजरी शब्द का मतलब होता है तुलसी का बीज, तुलसी का बीज का तात्पर्य है शक्ति से। तो हमें तो लगता है इस पत्रिका के माध्यम से आयुक्तालय ने अपनी साहित्यिक शक्ति का परिचय दिया। इस वार्षिक पत्रिका में विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी अपना अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। कमिश्नर का कहना है कि इस पत्रिका में किसी ने कविता लिखी है, तो किसी ने कहानी, तो किसी ने पद लिखा। सभी ने अपने अपने तरीके से लिखा है। ये पत्रिका अब दिल्ली जाएगी, वहाँ से प्रथम, द्वितीय, तृतीय का चयन होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी पत्रिका प्रथम आएगी। किसी ने कविता लिखी, किसी ने गद्य लिखा, किसी ने कटाक्ष लिखा, किसी ने व्यंग लिखा, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की विभिन्न रचनाएं हैं, उसका संकलन है। इसके अलावा कार्यालय और इस आयुक्तालय का विशेषांक भी प्रस्तुत किया गया है कि हमारे कार्यालय का परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले वर्ष, वित्तीय वर्ष में, उसका भी एक छोटा सा संकलन साहित्यिक रूप में दिया गया है। मंजरी इसकी एक पृष्ठभूमि है। 5-6 साल पहले जब पत्रिका का संपादन हुआ तो इसका नाम ताज मंजरी था, लेकिन समन्वय विचारों का ऐसा हुआ कि ताज मंजरी की जगह इसको मंजरी कर दिया जाए, क्यों? मंजरी शक्ति रूपा है। मंजरी तुलसी के बीज को कहते हैं, तुलसी के फल को। अगर आप तुलसी का पौधा देखें तो ऊपर फल की डंडियां होती हैं, उसे मंजरी कहते हैं। एक तरीके से आयुक्तालय का ये फल है। मंजरी पत्रिका में विभाग के लगभग 50 से 60 लोगों ने अपना अपना लेख दिया है। सभी ने अपने अपने हृदय की बात लिखी है। किसी ने मीठा लिखा है, तो किसी ने तीखा लिखा है। ये पुस्तक का छठवां संस्करण है। सी न्यूज़ के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।